नहीं देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए, उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेड़ी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेड़ी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्यवाही जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा, नहीं जो लगाना होगा, नहीं जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी, और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं केवल हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पे हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे, एससी एसटीज के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है, जो हमारी महिलाएं हैं खास करके डिवोर्सीज है उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविजन रखा है। तो इस तरीके से इसको, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है।